तो आज हम लोग फैम पे का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिसमें हम बताऊंगा कि फैम पे जो कार्ड होता है उसमें क्या क्या मिलता है। यह वीडियो बहुत पहले मैंने शूट कर लिया था, तो बुरा मत मानना, और यह वीडियो को मैं अभी इसलिए अपलोड कर दे रहा हूँ कि आप भी देख लो। तो इसको अनबॉक्स करने के बाद में आपको अंदर ऐसा कुछ मिलता है। कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी बैड हो सकती है, पर आप देख लेना अपना पीछे से कुछ ऐसा देखेगा अंदर से निकलने में पे, देख लो आपको कैसा लग रहा है। तो आपको अंदर से मैं दिखा देता हूँ, तो आप देखो वीडियो बहुत पहले मैंने इसको शूट कर रखा था। अंदर से आप निकालोगे तो एक पेपर टाइप का निकलेगा जिसका मेन वर्क, और आप इसको मेन जो न्यू पेपर होता है वहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम फॉर द फैम, ऐसा ही लिखा हुआ है। और आप देख सकते हो उसका पैकिंग भी आप बहुत ही मस्त था। उसको ओपन करेगा तो आपको फैम पे का जो कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा अंदर। उसको रखते हैं साइड में और अंदर भी आपको दिखा देते हैं कि आपको और क्या क्या मिल रहा है। तो आप एक तरफ देखोगे उसका यूजुअल मैनुअल मिल जाएगा, जिसके बारे में बताया गया है कि फैम पे स्टार्ट कैसे करें, क्या क्या प्रोसेस है, इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो आप देख लो इसमें QR कोड आता है जिसको स्कैन करके हम स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें कुछ ऐसी पढ़ने के लिए आता है, आपको टाइम मिले तो पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, लिंक के थ्रू आप डाउनलोड करोगे तो आपको बोनस मिल जाएगा, 90 रुपये फ्री में कार्ड आ जाएंगे। और अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ, तब कोशिश करना डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें, फ्री का 90 रुपये मिल जाएंगे आपको साइन अप बोनस। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, देख लो कार्ड कुछ ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। इसमें आपको एक खास बात आपको देखने को मिलेगा, कार्ड में कोई भी नंबर नहीं रहता, और ये वीजा कंपनी का मेरा कार्ड है, इसमें कोई प्रकार का नंबर नहीं होता ऊपर कि आप इस नंबर से क्या कर सकते हो, इससे कुछ नहीं होता। बैक में पलट के भी दिखा दे रहा हूँ, पीछे मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम प्रिंट करवाया था जो मेरा पहले वाला चैनल था, हालांकि अब चैनल का नाम चेंज हो गया है और दूसरा कोई चैनल का नाम आ गया है, और वॉइस क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिल रही होगी, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और कुछ ऐसा दिखता है कार्ड पीछे से, एक बार इसका नज़ारा देख लो, ऐसे ही कुछ कार्ड है, आप इसको जरूर मंगाओ। और मैं आपको कमेंट भी कर सकते हो आप, हालांकि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि क्या आप इसे ATM में यूज कैसे करना है। तो थैंक यू।